मेनू बार में जो फिल्टर है, देखिए फिल्टर जो मेनू है फोटोशॉप में, मेनू बार में फिल्टर है, फिल्टर ऑप्शन में यहाँ पर एक आदर्श में आता है कि ऑफसेट फिल्टर, ऑफसेट फिल्टर का ऑप्शन देखिए कैसे यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक इसके लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट 300 300 पिक्सल्स, आप जितने भी ले सकते हैं ऐसे कुछ नहीं, 300 300 लिया हूँ मैं, और 300 300 में ऐसे एक लिया हूँ। इसमें कुछ भी एक ड्राइंग करना है, एक न्यू लेयर करके या कुछ भी एक शेप ड्राइंग करना है, जो भी करना है, तो मैं एक क्या करता हूँ, एक कॉस्टम शेप टूल ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए शेप टूल, और यहाँ पर कुछ एक टूल लेता हूँ, ये देखिए ये अगर ये टूल लिया, देखिए ये जो शेप है ना, ये शेप लिया हूँ, और यहाँ पर एक ड्रैग करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक टूल ड्रैग करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करने से सेंट्रली सेंटरिकली मतलब बड़ा होगा, और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सेम साइज आएगा, परफेक्ट साइज आएगा, मतलब विड्थ एंड हाइट सेम आएगा। ठीक है, तो मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके लिया हूँ, ड्रैग किया हूँ, ड्रैग करने से जैसे कल फिल लेयर था तो फिल शेप था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली कलर फिल हो गया। तो अभी क्या करना है, मूव टूल सिलेक्ट करना है, मूव टूल सिलेक्ट करके मैं सेंटर में रख देता हूँ, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों छोटा हो गया, और ये जो ये वेक्टर वेक्टर लेयर है, इस इमेज है, तो इसको क्या करना है, हमको रास्टराइज करना है। रास्टराइज करके इसको रास्टराइज, देखिए यहाँ पर लेयर में राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर क्लिक करने से रास्टराइज हो गया, अभी नॉर्मल लेयर हो गया, तो रास्टराइज लेयर हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको एक कॉपी करना है, ये जो ये लेयर है ना फिल लेयर, इसको कॉपी करना है। कैसे करना है, कंट्रोल जे में और एक लेयर हो गया, देखिए शेप वन कॉपी हो गया, मतलब इसका ये और एक लेयर कॉपी हो गया, देख रहे हो ना, दो लेयर हो गया। तो अभी क्या करना है, अगर हमको कुछ दे अच्छे से दिखा देना, तो यहाँ पर मैं कुछ कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो इजीली पता चलेगा। तो कलर फिल कर लेता हूँ, ऑलरेडी ठीक है, यहाँ पर कलर फिल कर लिया, देख रहे हैं ना अलग लेयर आ गए, तो अलग लेयर। अभी क्या करना है, हमको फिल्टर ऑप्शन में जाके अदर्स, अभी हाइड मतलब अनहाइड हो गया, देखिए अभी दिखाई जा रहा, अदर ऑप्शन में जाके ऑफसेट क्लिक करना है। तो ऑफसेट में क्लिक करना चाहिए, ऑफसेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो ऑफसेट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, ये जो ये एक फिल्टर है, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स राइट पिक्सल्स डाउन ऐसे करने से क्या होगा, ये जो इमेज लिए हैं, ये जो लेयर है, इसको डिवाइड हो जाएगा, ये लेयर डिवाइड होकर अलग अलग मतलब अलग अलग साइड में आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं हॉरिजॉन्टल ये जो मैं 300 300 विड्थ एंड हाइट लिया हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 150 कर लेता हूँ, है ना, तो इसको डिवाइड हो गया 150, हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो गया। अगर ऐसे वर्टिकल में भी 150 कर लेता हूँ, तो चार चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखिए अभी चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये इमेज होगा ना, ये रैप अराउंड में, अगर रैप अराउंड की हो तो चार होगा, सेट टू ट्रांसपेरेंट करने से सिंगल साइड होगा, और रिपीटेड पिक्सल्स करने से भी ऐसे कुछ नहीं, और रैप अराउंड में चार साइड होगा। ठीक है, सेट टू ट्रांसपेरेंट करने से सिंगल साइड होगा, और मतलब चार पार्ट से एक पार्ट ही आए। ठीक है, तो ये होता है दोस्त फिल्टर ऑफसेट में, ऑफसेट ऑप्शन में ये आता है। ठीक है, अगर हमको 100 लेंगे या 75 लेंगे, तो देखिए क्या होता है, पता चल रहा है ना, 75 में मतलब इसका जो इमेज है, इसका जो 75 हॉरिजॉन्टल यहाँ पर थोड़ा आ गया, और यहाँ पर थोड़ा आ गया, इस तरफ थोड़ा कट करके कट होगी, यहाँ पर आया, यहाँ पर कट होगी, यहाँ पर आया, इसलिए हम अगर 100 लेंगे तो देखिए क्या, इसका 100 कट होगी यहाँ पर आ गया वर्टिकल का, और हॉरिजॉन्टल में 75 कट होगी यहाँ पर आया। तो हमको क्या करना, अगर वो चार कॉर्नर में आना है, तो हम क्या करेंगे, 150 लेंगे, तो चार कॉर्नर में डिवाइड होके आ रहा है।
अभी देखने का अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, ये उसके बाद ओके क्लिक करने से ये एक ऑफसेट फिल्टर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। थैंक यू दोस्तों।